आज हम लोग बात करेंगे हस्तशिल्प की। ये कई प्रकार के होते हैं और इनके निर्माण में निपुणता की जरूरत होती है और जरूरत होती है एक खास तरह के साहस और धैर्य की। ये ज्यादातर पारिवारिक कला है। कलाकार इसे घर में सीखता है, पहले अपने बड़ों की मदद कर कर, और फिर धीरे धीरे बन जाता है एक निपुण शिल्पी। इसी तरह के एक कलाकार आज हमारे साथ हैं, मंसूर आलम खान। लकड़ी पर चांदी की नक्काशी में इन्हें विशेष महारत हासिल है। इसके लिए ये देश और विदेश में पुरस्कृत भी हुए हैं। तो आइए चलें, उनसे करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। मेरा नाम मंसूर आलम खान, मैं पलखवा गाजियाबाद यूपी का रहने वाला हूं और मैं वुडकार हूं, यानी लकड़ी पर नक्काशी और पीतल जड़ाई ताकशी का काम करता हूं। ये हमारा ख़ानदानी काम है। मैंने ये काम अपने वालिद से और अपने उस्ताद सरदार हुसैन जो नेशनल अवार्ड विनर है उनसे मैंने काम सीखा। मैंने अब से पहले ही कई जगह इस काम को दिखाया है और ये जो मेरा काम है मैं इसे करीब 25 साल से लगातार करता आ रहा हूँ। इस बीच में मुझे यूपी सरकार से स्टेट अवार्ड मिला है और दिल्ली से भी मिला है। और ये जो मेरा काम है ये एक बारीक किस्म का नक्काशी क्या हुआ है, ये सहारनपुर या नगीना की कार्विंग से बिल्कुल अलग है। इसमें जो ख़ास बात ध्यान करने की होती है कि इसमें जो हमारी जो लाइनें होती हैं, फाइन एजेस होती हैं, उनके बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ता है और इसे करने के लिए बहुत हुनर की ज़रूरत होती है, किसे तजुर्बा होना चाहिए। इसमें बहुत एहतियात और तसल्ली से काम होता है ये वाला। ये मुल्तानी मिट्टी है जो लकड़ी को सफ़ेद करने के काम आती है। जो डिज़ाइन से पहले हम सफ़ेद करते हैं वो इसी मिट्टी से करते हैं। इस पानी से ही मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं और ये धोने के काम आती है। ये कलम है जिन्हें चीज़ें कहते हैं, यही खुदाई के काम आती हैं। ये फाइल्स रेतियाँ हैं जो घिसने के काम घिसाई के काम आती हैं। ये पीतल की पत्ती है जो तारकशी के काम में आती है। सबसे पहले हम लकड़ी लेते हैं प्लेन, उस प्लेन लकड़ी को ऐसे पानी लगाकर उसमें मुल्तानी लगाते हैं क्योंकि उसको सफ़ेद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद इसलिए करना पड़ता है कि हम जो उस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें दिखना चाहिए। इस तरह ये हमारी मुल्तानी मिट्टी लग गई इस तरह से। और इसको हम सुखाने के लिए अलग देते हैं। अब ये हमारी लकड़ी सूखी है डिज़ाइन, अब हम इस पर डिज़ाइन लिख लेंगे। तारकशी करने के लिए डिज़ाइन लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ भी डिज़ाइन जो भी बनाना होता है हम उसके हिसाब से इसको बना लेते हैं। तो ये इस तरह ये डिवाइडर प्रकार के हिसाब से हम डिज़ाइन लिखते हैं इसको। डिज़ाइन इस तरह लिखते हैं जो इसको ऐसे लाइन इसको डार्क कर देते हैं। अब हमें जो तारकशी करना होती है उसको डिज़ाइन को करने के लिए तो निशान लगाते हैं गहरा, ताकि वो दिखाई दे सही समझ में आए हमारे क्या क्या करना है। डिज़ाइन पूरा दिखाई देना चाहिए हमें। अब ये डिज़ाइन है कर दिया हमें, इसको डिज़ाइन को गहरा गया ताकि इसमें ब्रास की जो पत्ती है उसको तारकशी करने के लिए डिज़ाइन तैयार हो गया हमारा। अब इसको डिज़ाइन को करने के बाद में इस तरह ऐसे होता है, इसमें ये तैयार है। हम इसमें इस तरह से पत्ती लेते हैं, इसको इस तरह से ढोकना शुरू कर देते हैं हथौड़ी की मदद से, इसको इस तरह लगाते हैं। तारकशी करने के डिज़ाइन लिखे हुए डिज़ाइन को हम
इस तरह निशान डिज़ाइन लिखे हुए को पीतल की पत्ती से इस तरह कर लेते हैं। इस तरह करते हुए पूरा डिज़ाइन में तारकशी का काम कर लेते हैं तैयार। तारकशी करने के बाद में डिज़ाइन इस तरह का पूरा हो जाता है हमारा। अब तारकशी किए हुए काम को रेती के जरिए इकसार कर लेते हैं इस तरह से। अब ये तारकशी करने का काम पूरा हो गया है। अब हम इसको डिज़ाइन लिखने के कार्विंग से पहले डिज़ाइन लिखेंगे। जो भी डिज़ाइन लिखना होता है हमें उससे पहले उसको खाका बना लेते हैं ताकि ये पीतल की पत्ती है वो अलग रहे, निकल न जाए। अब ये डिज़ाइन हमारा कार्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर कार्विंग शुरू करते हैं। ये है दो डोर डिज़ाइन। अब ये हमारा डिज़ाइन कार्विंग करने के लिए तैयार है। ये सुखाने के लिए रख देते हैं इसको। सूखने के बाद में ये इस तरह का हो जाता है। अब ये डिज़ाइन तैयार है। इसको कार्विंग करने के लिए सबसे पहले बीचों बीच से शुरू करते हैं। इसको एक तरफ से ना करके बीच से शुरू करते हैं। इसमें ये इस तरह के औजार होते हैं, इनको लेकर हम बीच से जान शुरू करते हैं इस तरह से। खुदाई करने के लिए हमें दो शेप के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम अपनी भाषा में कलम कहते हैं, वैसे नहीं इंग्लिश में चीज़ल कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक राउंड शेप की और एक फ्लैट शेप की। ये इस तरह की होती है। जो राउंड शेप होता है वो कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है। इस तरह से जैसे ये राउंड है हमारा, तो ये इस तरह से काम आएगा। और चकोर काम करने के लिए चकोर इसी तरह इन बारीक कलमों की मदद से इसे खुदाई करते हुए हम इसको पूरा कर लेते हैं। और पूरा होने के बाद में ये इस तरह का बन जाता है। इस तरह अब इस तरह खुदाई करने के बाद में हमारा ये तैयार हो जाता है। अभी इसको ये बॉक्स का होता है, इसमें इस डिब्बे का ढक्कन बना देते हैं इसको। अब इसको करने के बाद में लकड़ी लेते हैं, उसको टर्न करने के बाद में इसका टॉप बनाकर इस तरह बनाकर ये टॉप बन जाता है। फिर इसके बाद में इसकी पॉलिश और फिनिशिंग कर देते हैं, फिर ये डिब्बा बन जाता है हमारा इस तरह से। ये हमारा पूरा डब्बा है और ये उसका टॉप है।
बताया।